देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हालत हर रोज बस से बदतर होती जा रही है। जहां पार्टी को लगभग हर चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो वहीं पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, जिसकी वजह से पार्टी टूटती और बिखरती जा रही है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में तो पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई और असम में भी खराब प्रदर्शन रहा। तो इस करारी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 10 मई को बैठक हुई, जिसमें हार का ठीकरा गठबंधन पार्टियों पर फोड़ा गया। CWC की बैठक में कांग्रेस के प्रभारी जितिन प्रसाद ने बंगाल की हार के लिए वहां ISF के साथ हुए गठबंधन को जिम्मेदार माना, जबकि असम में हुई हार के लिए दिग्विजय सिंह समेत पार्टी के नेताओं ने बदरुद्दीन अजमल के साथ जुड़ने पर सवाल उठाया। बैठक में पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग राज्यों में आगे से गठबंधन का निर्णय लेने के लिए केंद्रीय समिति बनाने का सुझाव दिया। कथित तौर पर बैठक में ऐसे कई सदस्य थे जिन्होंने दोनों राज्यों बंगाल और असम में हुए पार्टी गठबंधन पर सवाल खड़े किए। बंगाल में सबने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी और लेफ्ट के साथ जुड़ने को कांग्रेस की हार का कारण माना। वहीं असम में AIUDF के साथ जुड़ने को गलत समझा गया। बैठक में कहा गया कि असम और पश्चिम बंगाल में जहां AIUDF और ISF के साथ गठबंधन से BJP को ध्रुवीकरण करने का मौका मिला, वहीं केरल में करारी शिकस्त का कारण ओवर कॉन्फिडेंस था। सबकी बातें सुनने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनावी राज्यों में हार के लिए कमेटी का गठन का फैसला किया। ये कमेटी चुनावी राज्यों में जाएगी और पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवारों से लेकर राज्य के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार करेगी और कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा है कि अगर पार्टी वास्तविक सच्चाई का सामना नहीं करती है तो सही पाठ नहीं सीख पाएगी। उन्होंने कहा है कि हमें यह समझना होगा कि आखिर केरल और असम में हम मौजूदा सरकारों को हटाने में क्यों विफल हुए और क्यों बंगाल में हमारे हाथ कुछ नहीं आया। ये हमारे लिए असहज करने वाला सबक है, लेकिन अगर हम सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, तथ्य नहीं देखेंगे, तो सही सीख नहीं ले पाएंगे। ये परिणाम बताते कि हमें अपनी चीजों को सही करना होगा। तो वही बैठक में 5 राज्यों के पार्टी प्रभारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दिग्विजय सिंह ने भी असम में AIUDF के साथ गठबंधन पर सवाल उठाए और याद दिलाया कि वो हमेशा से AIUDF के साथ गठबंधन का विरोध करते रहे। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने सिंह का समर्थन किया और बंगाल में ISF के साथ गठबंधन पर आपत्ति जाहिर की। कुल मिलाकर पार्टी के नेताओं ने असम और बंगाल में हार का ठीकरा AIUDF और ISF पर फोड़ा है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, VK News।